नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो गुरु पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 17 आर्थिक वनस्पति विज्ञान, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसे आपको पता है कि मानव की तीन मूलभूत अवधारणाएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं। कौन कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। जिसे मानव प्राचीन काल से पेड़ पौधों से प्राप्त करता आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान की परिभाषा। आर्थिक वनस्पति विज्ञान यानी कि आर्थिक, आर्थिक मतलब कि वित्त, धन, और वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधे या पादप, यानी आर्थिक रूप से उपयोगी पादप जो होते हैं। आर्थिक रूप से उपयोगी पादप व उनके उत्पादों के अध्ययन को, उपयोगी पादप और उनके उत्पाद, इसके अध्ययन को हम कहते हैं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आर्थिक वनस्पति यानी कि आर्थिक रूप से जो पादप महत्वपूर्ण है उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण, एएफ हील ने ।1952 में आर्थिक महत्व के पादपों को अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था इकोनॉमी बॉटनी। क्या नाम था? इकोनॉमी बॉटनी। अपनी पुस्तक इकोनॉमी बॉटनी में वर्गीकृत किया, जो कि सर्वमान्य वर्गीकरण है। इन्होंने पादपों को चार भागों में वर्गीकृत किया है। चार कौन कौन से? एक खाद्य पादप, सहखाद्य पादप, औषधीय पादप और औद्योगिक पादप। इसमें फर्स्ट आता है हमारा खाद्य पादप, यानी जो पादप हम खाने में यूज करते हैं, जिसके उत्पादों को हम खाते हैं, जैसे कि अनाज हो गई, दालें हो गई, सब्जी, फल। तो फर्स्ट आता है हमारा अनाज। अनाज में क्या क्या लेते हैं हम? गेहूं खाते हैं, बाजरा, मक्का, चावल और जौ, इन्हें हम अनाज के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ दालें हो गई, दालें जैसे चना हो गया, मूंग, उड़द, अरहर, मोठ, चोला एक्सेट्रा। और इसी तरीके से सब्जियां और फल। सब्जियों में जैसे हम ले सकते हैं बैंगन, आलू, भिंडी, टमाटर, करेला आदि। और फलों में जैसे अनार हो गया, सेब, अंगूर, संतरा, केला, ऐसे कई जो हैं इन्हें हम खाद्य पादपों के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी इनके उत्पादों को हम खाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सहखाद्य पादप, यानी कि खाद्य पादप के साथ हम जो
साथ में खाते हैं उन्हें कहते हैं सहखाद्य पादप। जैसे कि मसाले हो गए, पेय पदार्थ हो गए। मसालों में क्या क्या आता है? मसालों में हम जैसे मिर्च, हल्दी, हींग हो गई, धनिया, ये हमारे मसाले। और पेय पदार्थ, पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, कोका एक्सेट्रा। नंबर थर्ड आता है औषधीय पादप, जिन्हें हम औषधि के रूप में काम लेते हैं। औषधीय पादपों में भी पहला आता है औषधि, औषधियां, और दूसरा आता है मादक पदार्थ। तो पहले औषधियों के नाम देख लेते हैं। औषधियां जैसे अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय, नीम, अफीम, अतीश और सफ़ेद मूसली। मादक पदार्थ यानी कि धूम्रपान या चर्वक, जैसे चर्वण। मादक पदार्थ में जैसे तंबाकू, सुपारी, भांग आदि आ गए। लास्ट हमारा आता है, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक नंबर 4, औद्योगिक पादप, यानी जो पादप उद्योगों में काम आते हैं, इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में क्या क्या काम आते हैं? रेशे वाले पादप, टिम्बर जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं वो टिम्बर पादप होते हैं, रबर पादप या फिर रबड़ पादप, गोंद व रेजिन्स, वाष्पशील तेल हो गए, वशीय तेल, शर्करा और स्टार्च, ये सब हमें उद्योगों में काम आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेशे वाले पादप। रेशे हमें किससे प्राप्त होते हैं? कपास से, जूट से, सन से और पटसन से। टिम्बर पादप जिससे हमें फर्नीचर प्राप्त होते हैं, जैसे सीसम, सागवान। रबड़ पादप जिससे हमें रबड़ प्राप्त होता है, जैसे पाश रबड़। गोंद व रेजिन्स, गोंद हमें किससे प्राप्त होता है? बबूल व चीड़ के पादपों से। वाष्पशील तेल में कौन से पादप आते हैं? चमेली व मोगरा। वशीय तेल जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का, नारियल का, अरंडी का, ये वशीय तेल होते हैं। और शर्करा और स्टार्च में काम आते हैं गन्ने, चुकंदर, अखरोट, साबूदाना आदि। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर है, ये बहुत छोटा सा है, एक बार देख लेते हैं कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। आर्थिक रूप से उपयोग में आने वाले पादप और उनके उत्पादों का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसके अध्ययन को ही हम कहते हैं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण AF हिल ने 1952 में किया था। इन्होंने इसका वर्गीकरण अपनी पुस्तक इकोनॉमिक बॉटनी में वर्गीकृत किया है। इन्होंने पादपों को 4 भागों में, खाद्य पादप, सहखाद्य पादप, औषधीय पादप और औद्योगिक पादप में वर्गीकृत किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।